हेलो दोस्तों, ऐसा गार्डन केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे प्लांट के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। इस प्लांट का नाम दोस्तों अरल्या प्लांट है, जो ये सालों तक हरा भरा रहने वाला ये प्लांट है। इस प्लांट को आप एक बार अपने घर पे, छत पे या गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो ये सालों तक जो है हरा भरा रहता है दोस्तों ये प्लांट। तो आज इस प्लांट के बारे में दोस्तों हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि इस प्लांट को कैसे लगाना है, कौन से मिट्टी में लगाना है, कितनी पानी की आवश्यकता है दोस्तों, कितनी धूप की ज़रूरत है इस प्लांट को, इसके कटिंग से प्लांट कैसे तैयार करें दोस्तों, कौन कौन सा फर्टिलाइज़र दें इस प्लांट को। तो दोस्तों आज इस प्लांट के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आपने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए दोस्तों, और इसी तरह दोस्तों प्लांट से रिलेटिव जानकारी आपको मिले ताकि आप भी अपने घर पे, छत पे और गार्डन में बहुत आसानी से दोस्तों इस प्लांट को ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास दोस्तों अरल्या प्लांट नहीं है तो आप किसी आसपास के नर्सरी से दोस्तों परचेज कर सकते हैं, आपको बहुत ही आसानी से दोस्तों ये प्लांट मिल जाएगा। आप जब भी इस प्लांट को लगाएं दोस्तों तो ऐसे मिट्टी में लगाएं दोस्तों प्लांट जो पानी बहुत ही आसानी से मिट्टी से निकल जाए, क्योंकि होता क्या है कि आप कोई भी मिट्टी में प्लांट लगा देते हो उसकी ग्रोथिंग जो है प्लांट का बहुत स्लोली होने लगता है और धीरे धीरे जो है प्लांट मर सकता है दोस्तों। तो आप जब भी इस प्लांट को लगाएं तो ऐसा मिट्टी ले दोस्तों, 40% गार्डन सॉइल ले ले, 30% रिवर सैंड ले ले, 30% जो है बर्मी कंपोस्ट या फिर पुरानी गाय का गोबर का खाद जो होता है वो ले ले, थोड़ा सा इसमें जो है नीम का खल्ली मिक्स कर दे या फिर कोई भी फंगीसाइड पाउडर मिक्स कर दे ताकि आपकी प्लांट में और ना मिट्टी में कोई दीमक लगे ना कोई फंगस लगे। सबको अच्छी तरह से दोस्तों मिक्स करके इस प्लांट को आप लगाएं। इस प्लांट की धूप की बात करें दोस्तों तो इस प्लांट को धूप ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है, तो दोस्तों आप ऐसे जगह पर रखें जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट भी ना आती हो। इस प्लांट को बस इतना ही धूप दे जितना इस प्लांट को ज़रूरत है। एक से दो घंटे जहाँ पर धूप आती हो उस जगह पर इस प्लांट को रखें। ज़्यादा धूप दोस्तों इस प्लांट को नहीं देना है क्योंकि ज़्यादा धूप पड़ने से इसकी पत्तियाँ जो है पीली पड़ने लगती है और धीरे धीरे जो है दोस्तों ये प्लांट सूखने लगती है। तो आप तेज़ धूप वाले जगह पे बिल्कुल ना रखें, बस इस प्लांट को जो है दोस्तों एक से दो घंटे वाले धूप वाले जगह पे आप रखें। इस प्लांट की पानी की बात करें दोस्तों तो जिस टाइम आप प्लांट लगाते हैं तो उस टाइम पानी दोस्तों आप भरपूर दें। उसके बाद दोस्तों आप जब भी इस प्लांट में पानी दें तो इसकी मिट्टी को अच्छी तरह से दोस्तों जाँच लें, देख ले। अगर मिट्टी इसकी ड्राई रहे तो पानी दे, अगर नमी बना रहे तो दोस्तों पानी बिल्कुल नहीं देना है कि प्लांट जो है ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं करता है दोस्तों। तो आप जब भी पानी दे दोस्तों इस प्लांट में तो इसकी मिट्टी को अच्छी तरह से जांच ले तो पानी दे। इस प्लांट की फर्टिलाइज़र की बात करें दोस्तों तो आप जो है इसमें NPK जो है 20 दिन पर दोस्तों आप दे, बहुत ही फास्ट ग्रो करेगा दोस्तों ये प्लांट। उसके बाद आप 6 महीना पर दोस्तों बर्मी कंपोस्ट या फिर पुरानी गाय का गोबर का खाद होता है वो नीम के खल्ली मिक्स करके दोस्तों फर्टिलाइज़र करें, बहुत तेज़ी से दोस्तों आपका प्लांट जो है ग्रो होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस प्लांट की कटिंग कैसे लगाना है। तो दोस्तों आप इस प्लांट की कटिंग कभी भी लगा सकते हैं, बस बरसात का सीज़न छोड़ के, लेकिन सितंबर के सीज़न में दोस्तों आप इसकी कटिंग लगाएं, बहुत जल्दी सी कटिंग जो है तैयार हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो है मई का सीज़न चल रहा है तो दोस्तों मेरा प्लांट जो है थोड़ा सा काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसी कटिंग से दोस्तों प्लांट जो है तैयार करेंगे। तो आप जब भी इस प्लांट की कटिंग लगाएं दोस्तों तो ऐसा कटिंग ले दोस्तों जो थोड़ा मैच्योर्ड हो, थोड़ा सा थिक हो ताकि कटिंग जो है दोस्तों लग जाए। तो दोस्तों हम ऐसा कटिंग लेते हैं जो थोड़ा काफ़ी मोटा हो और मैच्योर्ड हो दोस्तों। तो इसी कटिंग से दोस्तों हम प्लांट तैयार करेंगे। जब भी दोस्तों प्लांट की कटिंग करते हैं तो उसे कटर को दोस्तों अच्छी तरह से साफ कर दे ताकि प्लांट में ना कोई फंगस लगे। तो दोस्तों हम इसकी कटिंग जो है कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो इसको कटिंग भी कर दिए हैं दोस्तों, ये प्लांट जो है मेरा जो है बहुत तेज़ी से अब ग्रो करेगा और एक अच्छा खासा बोनसाई का दोस्तों शेप तैयार हो जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं हमने इसका सारा कटिंग जो है कर दिया है। तो दोस्तों आप जब भी इसका कटिंग करें तो इसे कटिंग पर दोस्तों कोई भी फंगीसाइड पाउडर जो है दोस्तों आप ज़रूर लगा दें। तो हम जो है इसमें फंगीसाइड पाउडर लगा देते हैं
ताकि मेरे प्लांट में ना कोई फंकस लगे। इसी तरह दोस्तों हम जो है सारे कटिंग में लगा देते हैं, हमने सारे जो है कटिंग में जो है फंगीसाइड पाउडर लगा दिया है। तो आप जब भी इसका कटिंग लगाए दोस्तों, तो करीब आप जब भी इसकी तना ले तो करीब 6-7 तना ले, क्योंकि ज़्यादा ये जो है इसका तना सक्सेस नहीं हो पाता है दोस्तों। तो आप 6-7 तना लेते हैं तो उसमें से जो है 3-4 प्लांट जो है आपको तैयार हो ही जाएगा। तो हमने करीब जो है 5-6-7 जो है इसका तना ले लिए हैं। फंगीसाइड पाउडर दोस्तों आप लगा दे, तो चलिए दोस्तों इसमें भी हम सारा में लगा लेते हैं। तो दोस्तों हमने जो है सारे तना में जो है दोस्तों फंगीसाइड पाउडर लगा लिया दोस्तों, इसी कटिंग लगाए। तो ऐसे मिट्टी में लगाए जो आपके प्लांट बहुत ही जल्दी तैयार हो जाए दोस्तों। तो हमने दोस्तों 40% गार्डन सोयल ले लिया है दोस्तों, और 40% जो है रिवर सैंड वो ले लिया है, 30% दोस्तों बर्मी कंपोस्ट ले लिया है। अगर आपके पास बर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप पुरानी गाय का गोबर का खाद वो भी दे सकते हैं। तो दोस्तों हमने पहले से इसका जो है मिट्टी तैयार करके रखा है। तो कम से कम दोस्तों 1 इंची जो है इसकी तना को जो है नीचे रख देते हैं ताकि मेरा कटिंग जो है बहुत जल्दी तैयार हो जाए दोस्तों। इसी तरह दोस्तों हम सबको लगा लेते हैं। आप जब भी दोस्तों इसी कटिंग लगाएं आप ऐसे जगह पर रखें ताकि इसको जो है ना बिल्कुल तरह से धूप ना मिले, क्योंकि धूप पड़ने से जो है इसी कटिंग ठीक से तैयार नहीं हो पाता है दोस्तों। तो आप करीब जो है 10 दिन तक जो है ऐसे जगह पर रखिए जहाँ पे इस प्लांट को धूप ना लगे। तो हमने दोस्तों इसी तरह सारे कटिंग को लगा देते हैं। तो दोस्तों हमने सारे को कटिंग को जो है दोस्तों लगा लिया है। उसके बाद 10 दिन के बाद दोस्तों आप 1 से 2 घंटे वाली धूप की जगह पर आप रख सकते हैं दोस्तों। और नहीं दोस्तों इस प्लांट को ज़्यादा अंधेरा में भी नहीं रखना है दोस्तों। तो आप ऐसे जगह पर रखिए जहाँ पे ब्राइटनेस जगह हो। उसके बाद दोस्तों 10 दिन के बाद आप 1 से 2 घंटे धूप वाले जगह पे दोस्तों आप रख सकते हैं। इसी कटिंग से जो रूट जो है दोस्तों 10 से 15 दिन में दोस्तों इसकी रूट जो है अच्छा खासा तैयार होना चालू हो जाता है दोस्तों। 20 से 25 दिन में जो है इसमें नई पत्तियाँ जो है आना चालू हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप भी अपने घर पे छत पे गार्डन में दोस्तों अरेडिया प्लांट लगाएं, बहुत प्यारा प्लांट होता है दोस्तों। ये सालों तक हरा भरा रहने वाला ये प्लांट है। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।